अरे बहू, ची 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 ची, तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं। ची 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 ची, अरे तुम्हें भी आ गए। अरे तुम तीनों को पीरियड्स आ गए हैं। ची 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 ची, चारों तरफ खून दिखाते फिर रही हो, शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? हाँ, मैं क्या करूँ इन सब को लेकर, मैं तो पागल हो जाऊंगी। आशा देवी के तीन बेटे थे। आशा देवी अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ करवाते हैं। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब जाइए बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अब अपना खुशी खुशी गृहस्थी बिताइए। आशा देवी अपने तीनों बेटों की शादी देकर काफी खुश थी, क्योंकि उसके घर तीन बहुएं आने वाली थी। क्योंकि आशा देवी को पता था अब तो वो आराम करेगी, बहुएं तो उसकी सेवा करेगी और सभी बहुएं से वो अपनी सेवा लेगी। शादी की दूसरी रोज आशा देवी हॉल में बैठी हुई थी। अरे मेरी तीन तीन बहुएं हैं, तीन बेटों की शादी दी, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे चाय तक नहीं पूछी। रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। बहू बहू, कहाँ हो? सास की आवाज सुन तीनों बहुएं जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँच जाती हैं। जी माँ जी, कहिए। हाँ माँ जी, क्या हुआ कहिए। अरे तुम लोगों को अपनी सास की थोड़ी सी भी फिकर नहीं है, मेरी तीन तीन बहुएं हैं, लेकिन सुबह से अभी तक किसी ने चाय तक नहीं पूछी, नाश्ता तो दूर की बात। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी से मेरे लिए बढ़िया से चाय बना के लेके आओ। फिर तीनों बहुएं वहाँ से जाने लगती है, तभी आशा देवी फिर कहती है, अरे अब क्या तुम लोग तीनों जाके चाय बनाओगी? एक कोई जाओ चाय बनाने के लिए, बाकी दोनों मेरे यहाँ पे रुको, मेरी पैरों में काफी दर्द हो रही है, जरा पैरों को दबा दो और मेरी दूसरी बहू मेरी हाथों को दबा दो, थोड़ा सा सेवा तो लो, शादी कराई हूँ अपने बेटे की, सास की सेवा नहीं करोगी? जी माँ जी। लता तुम जाओ चाय बना के लेके आओ, हम लोग दोनों यहाँ माँ जी के पास रुकते हैं। फिर लता चाय बनाने के लिए चली जाती है और बाकी दोनों बहुएं अपनी सास की सेवा में लग जाती है। अरे हाँ हाँ, अच्छे से दबाओ, थोड़ा जोर से, तब ना मजा आएगा। हाँ ये हुई ना बात। आशा देवी अपनी बहुओं से खूब सेवा लेती है। दूसरी रोज तीनों बहुएं किचन में थी। लता की पेट में काफी दुख रही थी, लता को पीरियड्स आया हुआ था। आह मेरा पेट काफी दुख रहा है। अरे लता तुम्हें पीरियड्स आए, तुम जाओ कमरे में रेस्ट करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। हाँ हाँ लता तुम आराम करो, अभी हम लोग है ना। तीनों बहुएं किचन में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर आशा देवी आ जाती है। तीनों बहुओं को एक साथ बात करते देख कहती है, अरे बहू तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, एक साथ तीनों गुटरगू कर रही हो, अभी तक खाना होना कुछ नहीं चढ़ाई हो, क्या बात है? आज खाना होना बनाने का कोई इरादा नहीं है क्या, या फिर भूखे रखोगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, हम लोग खाना बनाने वाले थे, ये लता का पेट दुख रहा था ना, इसीलिए थोड़ी सी। अरे क्या हो गया उसे जो उसका पेट दुखने लगा, या फिर काम नहीं करने का बहाना है ये? अरे नहीं नहीं माँ जी, उसे पीरियड्स आए इसीलिए उसका पेट दुख रहा है। आशा देवी थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी, वो ये बात सुनकर कि बहू को पीरियड्स आए वो गुस्सा आ जाती है। क्या उसे पीरियड्स आए और वो किचन में आई हुई है? अरे लता बहू तुम किचन में क्या कर रही है, तुझे पीरियड्स आए हैं तो जाकर एक कमरे में बंद रह, इधर उधर घूम के तू सारा किचन का बर्तन वगैरह छू के अशुद्ध कर दे मेरे घर को, तू अभी तुरंत जा और जाके उस कमरे में बंद रह, जब तक तुझे पीरियड्स आएंगे 5 दिनों तक उस कमरे से बाहर तक नहीं निकलना। लेकिन माँ जी इसे तो सिर्फ पीरियड्स ही आए, तो क्या हो गया? सिर्फ पीरियड्स आए, हमारे यहाँ का रिवाज है, जिसे पीरियड्स आते हैं वो घर से बाहर कहीं नहीं निकलती है और ना तो कहीं जाती है और किचन में तो एकदम नहीं आती है। और तुम लोग एकदम कान खोल के सुन लो, किसी को भी पीरियड्स आएंगे वो उस कमरे में जाकर चुपचाप रहेगी, किचन में या कहीं बाहर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, 5 दिनों तक उस कमरे में ही बंद रहना है, अगर बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लता बहू अभी तक तू बात कान में नहीं घुसी, जा अभी चली जा। सास की बात सुन लता बहू वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और तुम लोग दोनों जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना के लेके आओ,
और लता बहू को उसी कमरे में खाना पहुंचा देना, उसे बाहर निकलने मत देना। आशा देवी ये सब बातें कहकर वहां से चली जाती है। ये सब बातें सुनकर इन दोनों बहुओं को काफी आश्चर्य होता है कि अभी तक उनकी सास पुराने ख्यालात की बातें मानती है। लता अब इस कमरे में ही बंद रहती है। खाने के वक्त दूसरे बहुएं आकर लता को खाना देकर जाती है। लता को इस रूम से निकलने का परमिशन नहीं था 5 दिनों तक। लता अब 5 दिनों तक इसी कमरे में काटती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज आशा देवी सोफे में बैठी हुई थी, तभी अपनी बहुओं को आवाज लगाती है। अरे आज एक भी बहू नजर नहीं आ रही, क्या हो गया? सबको सांप सूंघ गया क्या? बहू बहू कहाँ हो? आशा देवी के आवाज लगाने के बावजूद कोई बहू उसके पास नहीं आती है। अरे क्या हो गया? मैंने आवाज लगाई तब भी कोई सुनाए नहीं। लगता है जाके देखना पड़ेगा, कहीं पक्का तीनों बैठकर गप्पे लड़ा रही होगी। आज मैं देखती हूँ इन्हें। फिर आशा देवी उठती है बहुओं को ढूंढने के लिए। आखिर गई कहाँ? आशा देवी किचन आती है। किचन आकर देखती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यहाँ भी कोई नहीं है, ये लोग कहाँ गई? फिर आशा देवी उस कमरे में आती है जहाँ पर पीरियड्स आने पर बहुओं को रुकने के लिए कहा गया था। वहाँ आकर देखती है कि तीनों बहुएं यहाँ पर है। अरे तुम लोग तीनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो कहा था जब पीरियड्स आएंगे तब इस कमरे में आना, ऐसे नहीं गप्पे लड़ाने का। ये कोई कमरा नहीं, घर का काम कौन करेगा? अगर तुम लोग ऐसे गप्पे लड़ाओगी, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा? चलो जल्दी से जाओ, अब काम पे लग जाओ, गप्पे बहुत हुई। अरे लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था कि पीरियड्स आने पे हम इस कमरे से बाहर ना निकले और किसी भी काम को ना करें और ना ही किचन में जाएं, तो कैसे जाऊं हम? अरे तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं तो ठीक है, तुम रुक जाओ, बाकी दोनों यहाँ क्या कर रही है? माँ जी हम तीनों को ही पीरियड्स आए, इसीलिए तो हम लोग इस कमरे में हैं। क्या तुम तीनों को एक साथ पीरियड्स आ गए? हाँ माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो नहीं है। अगर आप कहो तो हम लोग जाके काम कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को जाने क्या हो सकता नहीं है, मैं कर लूंगी सारा काम। माँ जी आप कैसे करेंगे इतना सारा काम? हम लोग मदद कर देते, वो पुराने ख्यालात थे, उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अरे चलो चुप रहो तुम लोग, तुम लोग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग इसी कमरे में रहना, इस कमरे से बाहर मत निकलना। इतना कहते हुए सास आशा देवी वहाँ से चली जाती है और इधर तीनों बहुएं इसी कमरे में रुकती है। तीनों बहुओं को पीरियड्स आने की वजह से आशा देवी को अब घर का सारा काम करना पड़ रहा था। किचन में जाकर खाना बनाना, उन तीनों बहुओं के लिए खाना भी देना। वो उस कमरे में जाती, तीनों बहुओं के लिए खाना भी देती और घर का सारा काम करती। एक रोज आशा देवी सीढ़ी पर से उतर रही थी, तभी उसका तबीयत काफी खराब कर रहा था। वो सीढ़ी से उतरते उतरते चक्कर खाकर गिर जाती है और सीढ़ी से नीचे आकर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। आशा देवी काफी देर तक वहीं बेहोश पड़ी रहती है, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं था। घर में 3 बहुएं थी, लेकिन आशा देवी के नियम अनुसार वो लोग उस कमरे से बाहर तक नहीं आ सकती थी, जिस कारण आशा देवी की आज ये स्थिति थी। वो काफी देर तक वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी, तभी बाहर से सूरज आता है घर। अपनी माँ को ऐसी हालत में गिरे देख जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ माँ उठो, माँ माँ। अरे काजल काजल, भाभी भाभी। सूरज काफी आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाते हैं। फिर सूरज अपनी माँ को उठाकर कमरे की ओर लेके जाता है। तीनों बहुएं इस कमरे में थी, तभी सूरज गुस्साते हुए उस कमरे में आता है। अरे काजल भाभी, मैंने कितने आवाज दी, आप लोगों ने सुना ही नहीं। आप लोग इस कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ की कितनी तबीयत खराब है, माँ बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, लेकिन आप लोगों को तो बस गप्पे लड़ाना है। आप लोग इस कमरे में बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, माँ वहाँ बेहोश पड़ी हुई है, आप लोगों को थोड़ा सा भी शर्म लाज है कि नहीं? सूरज
ऐसी बात नहीं है, हम लोग माँ के कहने पर ही इस कमरे में हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, हमने माँ से कितनी बार कहा लेकिन माँ ने ही नहीं सुनी। वो जबरदस्ती हमें इस कमरे में बंद करके रखी है। क्या माँ ने आप लोगों को इस कमरे में बंद रखने के लिए कहा है? ऐसी क्या बात है जो माँ आप लोगों को यहाँ रहने बोलेगी और माँ सारा काम कर रही है घर का? हाँ सूरज, ऐसी ही बात है। फिर काजल सूरज को सारी बातें बताती है जो कुछ भी इस घर में हुआ कुछ दिनों में। सूरज ये सब बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। क्या माँ आज भी ये सब बातें मानती है? इतनी पुराना ख्यालात की है, इसीलिए तो आज ऐसी दुर्दशा हुई है। चलो आप लोग चलो, जल्दी से चलो वहाँ माँ के पास, माँ को जरूरत है आप लोगों की। लेकिन सूरज हम गए तो माँ फिर? माँ कुछ नहीं कहेगी, मैं हूँ ना, मैं माँ को समझाऊंगा। फिर सूरज तीनों बहुओं को यहाँ से लेके जाता है। कुछ देर बाद आशा देवी को धीरे धीरे होश आता है। वो जैसे आंख खोलती है सामने उसकी तीनों बहुएं खड़ी थी। ये देखकर आशा देवी तुरंत कह उठती है, अरे तुम लोग तीनों फिर आ गई यहाँ पर। अरे बेटा सूरज, इन तीनों को यहाँ से जल्दी भेज बेटा। अरे माँ, तुम आज भी उन पुराने ख्यालतों को मानती हो? आज भी वो सब दिन देखती हो? आज अगर ये तीनों रहती तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। उन सब चीजों को छोड़ो और बाहर आओ, आज की दुनिया में जीना सीखो। आज देखो लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई और तुम आज भी उन पुराने दिनों की बात मानती हो। छी माँ, उन सब चीजों को छोड़ो अब। लेकिन बेटा इससे बीमारियां फैलती है, इसे हमें दूर रहना चाहिए। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बीमारियां नहीं फैलती है अब। पहले के दिनों में कपड़े यूज करते थे जिस आज जमाना काफी आगे बढ़ चुका है, अब ये चीज कुछ नहीं होता है माँ, अब तुम भी समझा करो। सूरज के समझाने पर उसकी माँ आशा देवी समझ जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया और आज उसका फल मैं ही भोग रही हूँ। तुम लोगों को कष्ट दी इसीलिए देख आज मुझे भी कष्ट ही मिले। ऊपर वाला जो भी करता है सब सोच समझ के ही करता है। आज मैं इस दशा में नहीं होती तो कभी नहीं समझ पाती। आशा देवी तो समझ चुकी है, क्या आप लोग भी समझ गए? सुहागरात में रंजीत रीना के लिए फूल लेके आता है और घुटने के बल बैठकर उसे देते हुए तारीफ करता है। तभी रीना झुकती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक जोरदार पाद मार देती है, जिस पाद के गंध से रंजीत वहीं पर बेहोश हो जाता है। माँ माँ कहाँ हो? अरे रीना आ गई, आओ मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ यहाँ। अरे माँ मुझे तो आज मूली का पराठा खाने का मन था, और तुम क्या बना रही हो? अरे बेटा घर में मूली नहीं है तो क्या करूँ, यही खा ले आज। अरे माँ मैं लेके आई हूँ ना मूली, ये लो इससे बना लो। अरे बेटी अगर हमेशा मूली का पराठा खाते रहेगी पूरा घर गंदगी से भर जाएगा, अरे ये सब मत खाया कर। अरे माँ तुम उसकी चिंता छोड़ो, तुम बस मुझे बना दो, मुझे मूली का पराठा ही खाना है। फिर रीना जाकर मूली टेबल पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये रीना भी ना नहीं समझती है, मूली का पराठा इसका फेवरेट है और खाने के बाद पूरे घर में बदबूदार बदबूदार गैस छोड़ते रहेगी, जिसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा। रीना अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी उसकी माँ मूली का पराठा बनाकर इसके लिए लेके आती है। ये ले रीना तेरे लिए मूली का पराठा तेरा। अरे माँ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, मेरा सबसे फेवरेट है मूली का पराठा। रीना जल्दी से माँ से मूली का पराठा ले लेती है और खाने लगती है। जैसे रीना की माँ वहाँ से जाने लगती है तभी रीना कहती है, अरे माँ जरा पानी ला दो ना। ये कहते हुए रीना एक बदबूदार गैस छोड़ देती है। अरे ची 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 ची, पूरा रूम बदबूदार बदबूदार गंद करने लगेगा। ची ची ये लड़की तो अभी से शुरू हो गई। अरे माँ ये गैस है, पेट से जितना गैस निकल जाए उतना अच्छा होता है शरीर के लिए। अरे बेटी कल को तेरी शादी हो जाएगी और वहाँ जाकर अगर ऐसे ही गैस छोड़ती रही तब देखना तेरे ससुराल वाले कैसे तुझे करते हैं और वहाँ तुझे कहाँ मूली का पराठा मिलेगा हर रोज। अरे माँ तू चिंता क्यों करती है, मूली का पराठा भी मिलेगा और मैं। अरे जी 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 मैं जल्दी से जाती हूँ वरना यहीं बेहोश हो जाऊंगी। अरे मेरा मूली का पराठा फेवरेट।
तुझे खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। भले कुछ भी हो जाए, तुझे मैं छोड़ नहीं सकती। रीना की शादी रंजीत के साथ तय हो जाती है और उससे शादी हो रही होती है। रीना शादी से पहले चुपके चुपके मूली के पराठे खा के आई थी ताकि किसी को पता ना चले, और शादी के दौरान रीना गंदी गंदी गैसें भी छोड़ रही थी। अरे ये कौन सी बदबूदार गंध है, कौन यहाँ पे पाद रहा है? जी, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, जल्दी से शादी करवा के यहाँ से निकल पड़ता हूँ। अरे मैंने मूली के पराठे खाई हूँ, शायद इसी वजह से गैस निकल रही है। शायद पंडित जी को पता चल गया है, अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा वरना भांडा फूट सकता है। चलिए जजमान, आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब मैं निकलता हूँ जल्दी से, वरना यहीं बेहोश हो जाऊंगा। पंडित जी रीना की बदबूदार पाद के कारण वहाँ से जल्दी जल्दी से खिसक जाते हैं। आज रीना और रंजीत की सुहागराती। रीना बिस्तर पर बैठी रंजीत का इंतजार कर रही थी, तभी रीना की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ाती है और रीना कमरे में बदबूदार पाद छोड़ती है। अरे मैं इस पाद को कैसे कंट्रोल करूं? ऐसे ही गैस निकलता रहा तो रंजीत को आज ही पता चल जाएगी और मेरा भांडा आज ही फूट जाएगा। मुझे मूली के पराठे नहीं खाने चाहिए थे, माँ ठीक ही कह रही थी, अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? तभी वहाँ पर रंजीत आ पहुँचता है, हाथों में गुलाब का फूल लिए। रंजीत रीना के समीप पहुँचता है और घुटने के बल बैठ जाता है। फूल को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अरे रीना आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है चांद जमीन पर उतर आया है। ये फूल लो, तुम्हारी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देंगे। रीना थोड़ी सी शर्माती है और पीछे घूम के दूध का ग्लास उठाने का कोशिश करती है। जैसे दूध का ग्लास उठाने के लिए नीचे झुकती है कि बहुत देर से कंट्रोल की हुई पाद अचानक से निकल जाती है और पाद जाके डायरेक्ट रंजीत के मुंह पे सारी गंध लगती है, जिस कारण रंजीत अचानक से छटपटाने लगता है और बेहोश हो जाता है। रीना घूम के देखती है कि उसका पति बगल में पड़ा हुआ है। अरे रंजीत तुम्हें क्या हो गया, तुम नीचे क्यों सो गए हो, बिस्तर पे उठ जाओ रंजीत, क्या हुआ तुम्हें? तभी रीना को रियलाइज होता है, अरे कहीं ये मेरे बदबूदार पाद के कारण बेहोश तो नहीं हो गए, अब मैं क्या करूं, इसे कैसे होश में लाऊं? अब ऐसे ही पूरी रात रीना और रंजीत की सुहागरात बीतती है। रंजीत नीचे पड़ा हुआ रहता है और रीना वहीं बैठी रहती है बगल में। दूसरी रोज सुबह रीना अपनी सास के लिए चाय बनाकर लेके आती है। माँ जी ये लीजिए, आपके लिए चाय बना के लेके आई हूँ। अरे वाह बहू, कितने दिनों बाद आज बैठ के चाय पी रही हूँ, लाओ। रीना अपनी सास को चाय दे देती है और वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से एक जोरदार पाद मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ची 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 ची, ये कौन सा महक है, बड़ी ही गंदी, लग रहा है कुछ सर गया है। रीना को रियलाइज होता है कि उसकी ये पाद के कारण बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। अरे अब मैं इस गैस को कैसे रोकूं? मूली पराठा खाना छोड़ नहीं सकती, लेकिन ये गैस भी तो कंट्रोल नहीं होती है, निकल जाती है कहीं भी, अब मैं क्या करूं? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो अगर भांडा फूट गया तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी मेरी। रीना कहीं से एक दवाई लेके आती है, ये दवाई खाने से उसे गैस की प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। अरे अब ये दवाई मुझे बचाएगा, इस दवाई के खाने से अब मेरी गैस नहीं निकलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा भांडा भी नहीं फूटेगा और मैं मूली के पराठे आराम से खा सकती हूँ। फिर रीना उस बोतल में से एक दवाई निकाल कर खा लेती है। अब रीना हर रोज अपने लिए मूली के पराठे बनाती और बड़े ही मजे से खाती है। आज भी वो कमरे में बैठकर मूली के पराठे खा रही थी, तभी उसका पति रंजीत वहाँ पहुँच जाता है। अरे आज तो बड़ा ही टेस्टी बना है ये मूली का पराठा। अरे रीना ये क्या खा रही हो तुम? अरे मूली के पराठे खा रही हूँ, आप खाएंगे क्या, बड़ा ही टेस्टी बना है। अरे नहीं नहीं ची ची ची,
ये मूली के पराठे वगैरह मैं नहीं खाता। इससे खाने के बाद बहुत ही गंदी स्थिति होती है, चारों तरफ गैस ही निकलती है, और तुम खा रही हो, तुम्हारा भी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है, मेरा गैस वगैरह नहीं होता है, मैं तो खाती हूँ हमेशा से ही। अच्छा ठीक है, तुम्हारे मूली के पराठे तुम ही खाओ, मैं जाता हूँ। फिर रंजीत वहाँ से चला जाता है। और इधर रीना, आज तो बड़ा ही टेस्टी बना है, एक भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरा प्लेट चाट के खा लूंगी तुझे मूली, और बाद में एक दवाई खा लूंगी, बस मूली के पराठे भी खाना हो जाएगा और गैस भी नहीं होगी। ऐसी एक रोज रंजीत और उसकी माँ हॉल में बैठे हुए थे, तभी रीना दोनों के लिए चाय बनाकर लेके आती है। उन दोनों को देने के लिए जाती है कि वहाँ पर अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे रीना, रीना क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ रीना, रीना? अरे रीना बहू क्या हो गया, अरे रंजीत बेटा जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जा, देख क्या हो गया, बहू बेहोश हो गई क्यों? फिर रंजीत और देर न करते हुए जल्दी से रीना को उठाता है और हॉस्पिटल की ओर लेके जाता है। रंजीत रीना को हॉस्पिटल लाकर एडमिट कर देता है। डॉक्टर साहिबा रीना को अच्छी तरह से चेक करती है और फिर रंजीत के पास आती है और उससे कहती है, अरे भाई साहब आपकी तो बहुत किस्मत अच्छी है कि आपकी पत्नी बच गई, वरना इसका बचने का कोई चांस नहीं था। अरे डॉक्टर साहिबा इसे क्या हो गया कि ऐसी हालत हो गई और अचानक से बेहोश क्यों हो गई? इसके पेट में काफी दिनों से गैस बन रहा था और गैस निकल नहीं रहा था, जिस कारण ऐसी हालत हो गई है, अगर गैस सर पर चढ़ जाता तो इसके कुछ भी हो सकता था। लेकिन डॉक्टर साहिबा इसका गैस क्यों बन रहा है इतना ज्यादा? ये तो मुझे नहीं पता, ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा कुछ खाती है जिस कारण इसका गैस बनता है, लेकिन इसका शरीर से गैस निकल नहीं रहा है। अरे डॉक्टर साहिबा मैं तो इसे कई बार मूली के पराठे खाते हुए देखा हूँ, लेकिन इसके बाद वो एक दवाई भी खाती है, वो नहीं पता क्या चीज की दवाई है। ये तो इसे ही पता होगा, इसे होश में आने दीजिए, इससे ही पूछिएगा। फिर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। इधर रंजीत बैठकर रीना के होश में आने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद रीना होश में आती है, तभी रंजीत रीना के समीप आता है और उसे पूछता है, अरे रीना तुम कैसे बेहोश हो गई थी, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई, तुम्हारे पेट में इतना गैस कैसे बन रहा था, और तुम मूली के पराठे जो इतना खाती हो उसके बाद कौन सा दवाई खाती हो? अब रीना को भी रियलाइज होने लगा था कि वो उस दवाई को खाकर बहुत गलती करती थी। अब उससे ये सब बातें नहीं छुपानी चाहिए और अपनी पति को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। रंजीत मुझे माफ कर दीजिए, मैं मूली के पराठे खाना बहुत पसंद करती थी, जिस कारण मुझसे काफी गैस भी निकल जाती थी और मुझे बेइज्जती का भी सामना करना ना पड़े, इसलिए मैं एक दवाई खाती थी जिस कारण उससे गैस नहीं निकलती थी, और आज ये दशा हो गई मेरी। अरे रीना डॉक्टर साहिबा कह रही थी काफी मुश्किल से तेरी जान बच पाई है, आगे से ऐसी कोई दवाई मत खाया करना। नहीं जी, आगे से मैं मूली के पराठे भी नहीं खाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अब रीना को भी रियलाइज हो गया था कि उसके मूली के पराठे खाने से कितनी दिक्कतें आ सकती है, और उसके बदले उस गैस को रोकने के लिए जो वो दवाई खाती थी उससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए वो अब से मूली के पराठे खाना छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।